अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉल के टेसल्स बनाना सिखाऊंगी। जैसे आप देखें, ये विंटर में इस तरह की शॉल्स होती हैं और उन पे ये टेसल्स होते हैं, तो उनको किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले ये देखें, आपने ये जो किनारे पे है, आपने इनको मैंने ये कैंची के साथ काट के तो बराबर कर ली सारे टेसल्स, ऐसे रख के सीधा। और उसके बाद मैं इधर मशीन के साथ है किनारे बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगी ताकि ये सिक्योर हो जाएं। उसके बाद फिर मैं इनको बांधूंगी। अभी अभी मैं ऑफ कैमरा सिलाई लगा के आपके सामने ला के तो टसल्स बनाने सिखाऊंगी। अब जी मैं सारी इधर सिलाई मैंने लगा ली थी ऑफ कैमरा, अब ये टसल्स हैं इनको कैसे बांधना है मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले ये देखें, इतने ना वक्फे पे मुझे टसल्स बांधने हैं। अंदाजे से ही आप करेंगे कि इतने इतने डिस्टेंस होगा। अब ये देखें जी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने टसल्स बांधने हैं। इतने ना वक्फे से अंदाजे से आपने ये लेनी है, इसको ऐसे करके हमने गिठान बांधते जाना है। इससे ये सिक्योर भी हो जाएगा और बाद में जब आपको आप शॉल लेंगे और धुलेगी तो शॉल के धागे वैसे तो उलझ जाएंगे, अगर इस तरह आप कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही उलझेंगे नहीं और बिल्कुल सही रहेंगे और शॉल भी सिक्योर होगी, नहीं तो धागे खींचेंगे और शॉल ख़राब होगी। इस तरह सारे पल्लू पे जैसे ये धागे हैं मैं टसल्स बांधती जाऊंगी। राउंड करके जैसे गिठान बांधते हैं इस तरह आपने बांध के ऊपर से हल्के से अच्छे से पुश कर देना, इस तरह ये जो टसल बन जाएगा। इतने से मैं ये धागे ले रही हूँ, इतने में वक्फे पे जो मुझे चाहिए इसको ऐसे पकड़ूंगी। राउंड किया उसको, इसके अंदर से ऐसे गुजारा और ये बाहर आ जाएगा और इसको ऐसे करके हल्का सा ऊपर लेके जाना है इस तरह। ये देखें, इतने से धागे लिए, इसको घुमाया और इसके अंदर से ऐसे इसको राउंड किया और इसको ऊपर ले जाके सिक्योर कर दिया। इस तरह टसल बनते जाएंगे सारे, फिर ऐसे ही लिए ये थोड़े से धागे राउंड किया इसके अंदर से, ये इस तरह के टसल्स। अब ये देखें, पूरे पल्लू पे मैंने इसी तरह बिल्कुल ये गिठाने लगा ली और इसको सिक्योर कर लिया। जब आपकी शॉल धुलेगी भी तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे इसको तो ये आपस में सारे जुड़ जाएंगे और सारी शॉल की लुक ख़राब होगी। थोड़ी सी आप भी मेहनत करने से, कुछ लोग तो ये उतार के तो उसको पीको करा लेते हैं लेकिन शॉल की वो लुक नहीं रहती जो कि इनके साथ आती है, इसलिए आप भी थोड़ा सा अपने थोड़ी कर लें मेहनत तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये सारा काम हो जाता है, लेकिन शॉल सिक्योर हो जाती है और उसमें कोई
यानी बाद में आपको मसला नहीं होगा। ये देखें, ये इस तरह के टसल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं जब आप लेते हैं शॉल। ये मेरी शॉल, विंटर में तो आजकल ब्रांडेड ड्रेसेस, आम ड्रेसेस के साथ और ब्रांडेड ड्रेसेस के साथ शॉल ही अच्छी लगती है। और इस तरह आप भी अपने शॉल को सिक्योर करें और खूबसूरत बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी एफिट पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।